चलिए आज मैं इस प्रोडक्ट का अच्छे से आप लोगों को रिव्यू करके बताऊंगी, इसके सारे फीचर्स एंड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है, यू नो, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे ये बहुत इन है, बहुत इसके एड्स में देख रही थी तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इसे परचेज करूँ। द प्रोडक्ट इज़ जस्ट हर्ब का लिप एंड चीक टिंट। सच बताओ गाइस, तो मैंने जो इंस्टा पर इसके एड्स देखे, हर बार मैं जब भी कुछ भी देखने लगती थी मुझे इसके एड्स दिख जा रहे थे, तो मुझे वो देख के ये इतना अच्छा लगा, इतना अपीलिंग लगा। मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है, लिप के लिए भी एज लिप बाम यूज़ कर सकते हैं या फिर लिपस्टिक एज लिप टिंट यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसे चीक्स पर एज ब्लश लगा सकते हैं एंड आईज पर एज आई शेडो लगा सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ चीज़ किसे पसंद नहीं आती। बट इसका प्राइस गाइस 695 था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हायर रेंज में है, क्योंकि नॉर्मल लिपस्टिक भी अगर हम लेने जाते हैं तो वो मुझे 500 से नीचे में अच्छे लिपस्टिक्स मिल जाते हैं, तो मैं थोड़ी सी यू नो स्केप्टिकल थी इसे परचेज करने में। बट देन स्मिटन पे द सेम प्रोडक्ट, इसका प्राइस 695 यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ये मुझे ट्रायल प्रोडक्ट्स में 199 में, ये और इसके साथ मुझे एक और प्रोडक्ट मिला जस्ट हर्ब का ये शैम्पू 199, तो ठीक है इसके लिए। तो मैंने सोचा ट्राई करने के लिए सही है एंड पता भी चल जाएगा कि कैसा है या नहीं। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं प्रॉपर इसका रिव्यू करके बताऊंगी, इसके पैकेजिंग से लेके इसके फीचर्स एंड देन इसे मुझे यूज़ करके कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियो में पता चल जाएगी। एंड आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं इस प्राइस पे, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही ये डिसीजन लीजिएगा गाइज। सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आया है मेरे चैनल पर, तो वेलकम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ लेकर आते रहती हूँ एंड मैं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे पोस्ट करती हूँ। चलिए पहले इसके आउटर पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये इस तरह के क्यूट से डब्बे में आता है गाइज एंड आप देख सकते हैं एक लिप बना हुआ है इस पे एंड इसके अंदर से इसका कलर दिख रहा है जो कि अच्छा लग रहा था। प्राइस तो मैंने आप लोगों को बता दिया, 695 रुपीज का एक है एंड दिस इज़ अ लिप एंड चीक टिंट। आप देख सकते हैं जस्ट हर्ब की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से गोल्डन कलर से की हुई है वाइट पे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये सारा पैटर्न भी इस पर अच्छा लग रहा था देखने में, यानी कि एक जो फर्स्ट लुक है इस प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छा था। सो येस, बॉक्स भी काफ़ी अच्छा एंड हैंडी है। जस्ट हर्ब इज एन इंडियन ब्रांड गाइज एंड इन्होंने 7 सिमिलर काइंड ऑफ लिप एंड चीक टिंट्स निकाले हैं 7 डिफरेंट कलर्स में, तो पिंक के शेड्स, रेड के शेड्स, ऑरेंज के शेड्स, आपको जो भी लेना है आप उस हिसाब से डिसाइड करें। मैंने एक ये लिया है रोज़ कोरल कलर का, यहाँ पे पीछे सारे शेड्स भी मेंशनड है एंड यस इट्स एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। चलिए इसे ओपन करके दिखाते हैं, किस तरह से ये ओपन हो जाता है एंड ये क्यूट सा लिप बाम टाइप की डिब्बी में आया है। ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है ना ये, एंड इस पर भी सेम ब्रांडिंग की हुई है एंड लिखा हुआ है हर्ब एनरिच्ड लिप एंड चीक टिंट, सो दिस इज़ एन आयुर्वेदिक फॉर्मूला। इस पर एक और चीज़ लिखी हुई है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस पर मेंशन है कि दिस हैज़ नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल्स एंड 100% वीगन, यानी कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसमें नॉन वेजिटेरियन कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। इसकी क्वांटिटी है 4 ग्राम। इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, 21 में मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी 24 में, तो 3 साल पूरा है, तो 3 साल में तो ये ख़त्म हो ही जाएगा। लेट्स सी कि ये रोज़ कोरल कलर जो मैंने लिया है ये कैसा दिखता है। ये इस तरह से, इसका कैप भी अच्छा सा है, इस तरह से ये ओपन हो जाता है एंड अंदर में अगेन एक कवरिंग दी हुई है जिसे कि आपको निकालना होगा एंड देन ये अंदर में कलर है। ऐसे मैंने यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, जो लिप कलर मैंने लगाया हुआ है एंड आईज पर भी आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने सेम इसे ही अप्लाई किया हुआ है एंड चीक्स पर भी, तो आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितने फ्लॉलेसली ये ब्लेंड हुआ हुआ है मेरे फेस पर। एंड इसके अलावा गाइज ना मैंने कुछ फाउंडेशन लगाया है, जस्ट एक क्रीम लगाया था मैंने फेस पर एंड उसके ऊपर मैंने इसे लगा लिया एंड बहुत ईजीली लग गया। ये किस चीज़ का बना हुआ है? सो गाइज, जस्ट हर्ब का ये लिप एंड चीक टिंट इज़ एन आयुर्वेदिक रेसिपी
एंड दैट्स वाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर लिप एंड चीक टिंट्स जो कि मार्केट में और भी हैं. मेरे पास भी इसके अलावा भी एक लिप एंड चीक टिंट है जो मुझे पसंद है, बट गाइज उसमें केमिकल होता है एंड इन लॉन्ग टर्म अगर आप उसे यूज करते हैं तो स्किन के लिए वो अच्छा नहीं रहता, स्किन को खराब कर देता है. जो मेन इंग्रेडिएंट है इस लिप एंड चीक टिंट का वो है जजोबा ऑयल. इट हैज गॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इट्स रिच इन विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है उसमें, तो यू नो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है. एंड ये ऑयल जो भी हमारे लिप्स पर अगर पिगमेंटेशंस हैं, यू नो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं कई बार लिप्स पर, या फिर चैप लिप्स हैं जो कि फट रहे होते हैं, तो उसे भी हील करने में हेल्प करता है जजोबा ऑयल जो कि इसमें है. और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया हुआ है दैट इज़ राइस स्टार्च, जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रहने देता है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड उसमें भी बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चैप लिप्स को ठीक करता है. एंड साथ ही साथ आपको ये जो राइस स्टार्च उसमें मिक्स्ड है उसके वजह से ये लिप पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वो शाइनी शाइनी वाला नहीं, मैट इफ़ेक्ट उसी के वजह से है. उसके अलावा है जावित्री, जो कि अगेन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए भी. प्लस इसमें है प्रेस्ड कोकोनट ऑयल जो कि यू नो ऐसे भी लिप्स के लिए अच्छा होता है. चीक्स पर भी लगा रहे हैं, आईज पर, आप अपने आईलिड पर लगा रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा आपके स्किन को. सारे अच्छे एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स है. जस्ट हर्ब क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट आपको एक ब्यूटी तो प्रोवाइड करता है, कलर तो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके लिप्स को, आपके स्किन को अच्छा बनाता है, हील करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है इसमें. 695 का ये इसीलिए है, ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका, क्रीमी मैट टेक्सचर है. लिप्स पर आप देख सकते हैं मैट इफेक्ट आया है, बट चीक्स पर आपको दिखेगा कि साथ ही साथ एक शाइन भी प्रोवाइड किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जजोबा ऑयल है तो एक शाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जबकि मैंने कोई हाइलाइटिंग नहीं की है. बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, मैंने तो अपने फिंगर से ही इसे ब्लेंड किया है, मैंने कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया है उसी इसे ब्लेंड करने के लिए. आईज पर भी मैंने अपने फिंगर से ही लगाया है. ये एक बिल्डेबल प्रोडक्ट है, अगर आपको बिल्कुल लाइट इफेक्ट चाहिए, जैसे आप बस इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल लाइटली फिंगर से हल्का सा लिए एंड लगा ले तो एक हल्का सा टिंट आएगा लिप पर, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखेगा. बट इफ़ यू आर गोइंग इन अ पार्टी तो आप इसे यू नो बिल्ड कर सकते हैं, एक लेयर उसके ऊपर दूसरा लेयर, तो ये प्रॉपर लिपस्टिक वाला लुक देगा आपको. इस साइड यू नो गाइज ब्रश से अप्लाई किया था एंड इस साइड मैंने अपने फिंगर से अप्लाई किया था. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हल्का सा लाइट दिख रहा है एंड इस साइड वाला ज़्यादा डार्क दिख रहा है. That's it about the features of this product. अब इसे लगाना कैसे है, बहुत ईजी है. आप चाहें जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आप अपने फिंगर्स से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं. चीक्स पर आपको 3-4 डॉट्स ऐसे लगाने, बहुत ज़्यादा भी मत लगाइएगा क्योंकि ज़्यादा हो सकता है. एंड 3-4 डॉट लगाने के बाद यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इट विथ योर फिंगर, और या तो फिर अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्यूटी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर ले तो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा. एंड आईज पर भी सेम उसी तरह से लगा सकते हैं आप, यानी कि आईलिड पर. प्रोडक्ट को यूज़ करके मुझे कैसा लगा एंड मेरा क्या व्यू है इस प्रोडक्ट को लेके, एंड मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ या नहीं. सो मुझे ये यूज़ करके बहुत अच्छा लगा गाइज. आप मैट इफ़ेक्ट है, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. जैसे कि मैंने इसे लगाया एंड मैं इवनिंग वॉक के लिए गई, विद इन 2-3 आवर्स लिप्स से तो ये गायब हो जाता है. चीक वाला एंड आईज के ऊपर जो है वो रहता है, बट लिप्स वाला मैंने हर बार देखा है बहुत जल्दी चला जाता है. तो आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको या तो लिपस्टिक यूज़ करना होगा इसके ऊपर, इसे आप एज लिप बाम यूज़ कर लें एंड उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं, या फिर आपको इसे टचअप देते रहना होगा उस पार्टी में, वॉशरूम में जा जा के, तो ऐसा कुछ करना होगा. एंड यस, ये बहुत ज़्यादा भी मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करता है. आप ऐसा ना सोचे कि आप एक लिप बाम ले रहे हैं, एग्जैक्टली लिप बाम जैसा तो नहीं है, बिकॉज लिप बाम और भी ज़्यादा मॉइस्चर होता है उसमें. बट सिंस इट्स अ लिप एंड चीक टिंट कलर है इसमें एंड इट हैज़ गॉट जैसा कि राइस स्टार्च है इसमें, तो ये आपको एक मैट लुक देगा एंड मॉइस्चर थोड़ा कम रहेगा लिप्स पर. अदरवाइज ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स. नेचुरल प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं यू नो अपने
स्किन के लिए इन लॉन्ग टर्म भी कोई नुकसान नहीं करता है, इनफैक्ट अच्छा ही बनाता है. तो यस, इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा. एज़ पर द प्राइस मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आपको 695 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है तो मत खरीदें इसे. बट अगर यू नो इस कंपनी का जस्ट हर्ब के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इनके कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं, जिस पे कि मैंने चेक किया था कि 695 का एक लिप एंड चीक टिंट है, एंड अगर आप दो लेते हैं तो आई थिंक 700 समथिंग में मिल रहा है. तो अगर आपको 300 समथिंग का ये पड़ रहा है तो यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. एंड अदरवाइज आप स्मिटन पर भी चेक करें तो 199 का जो वो ट्रायल प्रोडक्ट देता है उसमें आप 5 पॉइंट देकर इसे परचेज कर सकते हैं विद इन 199 रुपीज़. तो वो तो बेस्ट रहेगा. तो अगर आप इसे स्मिटन से परचेज करते हैं वो तो बेस्ट डील रहेगा. मैं आपको बोलूँगी कि उसी से परचेज करें, मैंने भी वहीं से परचेज किया. एंड अगर आप स्मिटन से परचेज करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड दे देती हूँ. उस रेफरल कोड को अगर आप यूज़ कीजिएगा तो आपको कुछ स्मिटन पर रेफरल कैश भी मिल जाएगा, जिससे कि आप बाद में शॉपिंग कर सकते हैं. सो डू यूज़ द रेफरल कोड. अगर आप यू नो बहुत ज़्यादा अपना स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. मल्टीटास्किंग है, इसे एज मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ स्किन केयर प्रोडक्ट. ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपका स्किन केयर भी साथ ही साथ हो जाएगा एंड आप मेकअप भी कर लोगे. ये मुझे चीज़ इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी लगी. तो यस, इफ़ यू आर आस्किंग मी आई विल रिकमेंड यू टू परचेज दिस प्रोडक्ट. अच्छा है, बट वही है थोड़ा सा प्राइस का ध्यान रख लेना. तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. मेरा ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ मैं. अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया है एंड यूज़फुल लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड गाइज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आप और किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो मेरे से. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी साथ ही साथ क्लिक कर ले ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू एंड गुड लक.